डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्कैल्पिंग में ना थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा प्रॉपर सेटअप बनने का। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो स्कैल्पिंग में एक दिन में कैसा भी मार्केट कंडीशन हो, बुरा से बुरा मार्केट कंडीशन हो, तो भी 3 से 4 बार आपको मौका मिल जाता है कि आप स्कैल्पिंग से अपना जो भी कंफर्टेबल प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनको सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर मैं कल स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, परसों स्कैल्पिंग करूंगा, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में भी डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो जिसको जो चीज़ सूट करता है ना, उसके लिए फोकस करना चाहिए। और जितने लोग को स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग बहुत ही ईजी है, और स्कैल्पिंग में ज़्यादा कंफर्टेबली आप प्रॉफिट बना पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। अभी ये निफ्टी की इस लेवल पे है। अगर मान लो मैं निफ्टी में स्कैल्पिंग की बात करता हूँ, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों को बता दूंगा। निफ्टी में भी हमको स्कैल्पिंग करना है तो हमको क्या देखना है, कौन से लेवल का ऑप्शन हमको कॉल और पुट का ऑप्शन चार्ट पे लगाना है। 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन हमको चार्ट पे लगाना है, या फिर सीधा सीधा अगर नहीं भी दिमाग लगाना है तो 150 रुपीज के आसपास का कॉल और 150 रुपीज के आसपास का पुट। तो ये गए हम यहाँ पे चार्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, निफ्टी का ऑप्शन चेन निकाल लेंगे। ऑप्शन चेन चाहो तो ऑप्शन चेन निकालने का ज़रूरत नहीं भी है, अगर निकालना चाहो तो आप देख लेना कौन कौन सा चार्ट देखना है मुझे। तो 100 रुपीज़ के 150 रुपीज़ के आसपास प्राइसिंग देखेंगे तो 22,100 का पुट 162 रुपीज़ चल रहा है। अब कॉल में 22,000 का कॉल 180 चल रहा है, तो 22,000 का कॉल और 22,100 का पुट, ये दो कॉम्बिनेशन हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन लगा लिया। तो कॉल को मैं इस साइड में कॉल लगा लेता हूँ, तो कॉल ये मेरा लग गया 22,000 का कॉल, और इस साइड में मैं पुट लगा लेता हूँ। और सेटअप में हमारा यही रहेगा 8, 13, 21 और 34। ठीक है, जो हमारा EMA का कॉम्बिनेशन है वो यही रहने वाला है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एक साइड में कॉल और एक साइड में पुट। डे का शुरुआत देखते हैं तो ये वीवैप के ऊपर सारे EMA का लाइन है, लेकिन यहीं से पलट गया। तो फर्स्ट अगर हम थोड़ा देर अगर वेट कर लेते हैं, जैसे 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं, तो स्कैल्पिंग करने में इजी होगा, क्योंकि शुरू का मोमेंटम में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पुट है। पुट में ये आपको दिख गया था 9:23 पे कि नीचे आ गया है, और सारे जो EMA का लाइन है वो VWAP के नीचे आ गया है। ठीक है, तो जब भी ये VWAP के नीचे क्रॉसिंग करता है ना, तो जो भी मूवमेंट आता है उसके बाद वो रीटेस्ट करने जरूर जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब पहली बार VWAP को ब्रेक करेगा ना, चाहे वो नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे, वो दोबारा VWAP पे आता है रीटेस्ट करने। जैसे यहाँ पे, जैसे ये पुट का प्राइस था, वैसे ही अगर कॉल में देखेंगे तो नीचे से ऊपर आया, VWAP के ऊपर आया, उसके बाद फिर से वो VWAP पे आता है, उसके बाद जो एक्चुअल मूवमेंट है वो चालू होता है। ये चीज़ को जरूर ध्यान देना, कभी भी अगर VWAP को ब्रेक करेगा तो VWAP को ब्रेक करने के बाद वो वापस आएगा। तो कई बार क्या होता है, हमारा इमोशन हावी होता है कि VWAP को स्ट्रांग कैंडल ऊपर ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक कर दिया तो हम बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, वो देख लेना थोड़ी देर में वापस आएगा ही रिटेस्ट करने। जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। स्केल्पिंग में जब भी VWAP को ब्रेक करेगा सारा EMA का लाइन, वो उसके बाद वो रीटेस्ट करने VWAP पे आएगा, उसके बाद घूमेगा, कभी भी देख लेना आप। जैसे ये ट्रेडिंग सेशन है तो ये ऊपर गया, इसमें अवॉइड कर देना, उसके बाद फिर से जो घूम के वापस जा रहा है ना, उसमें जो आपको मिल रहा है 8 EMA के ऊपर स्ट्रांग कैंडल, वहाँ एंट्री बनता है। 1 से 2 कैंडल में आपको एग्जिट कर देना है। उसके बाद फिर से जैसे ये आया आपके 8 EMA के ऊपर स्ट्रांग कैंडल बना, फिर से एंट्री किए, फिर से नेक्स्ट कैंडल में एंट्री किए, और हर एक ट्रेड के बाद गैप करना है, हर एक ट्रेड के बाद गैप करना है। 10 से 15 मिनट आप गैप कर दो, कंटिन्यू बैठे रहेंगे, बार बार स्कैल्पिंग करेंगे, दिक्कत आएगा। एक ट्रेड हुआ आपका, एक ट्रेड में ही अगर आप मान लो 500 200 क्वांटिटी भी ट्रेड करते हो तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट आपका इजीली बन जाएगा।
तो एक दिन में आपको 2 से 3 ट्रेड करना है, जो नए लोग हैं वो 2 से 3 ट्रेड करें, और पुराने लोग भी हैं तो उनके लिए भी है, 5 से ज़्यादा ना करें एक दिन में स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग से आपको जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो आप थोड़ा देर टर्मिनल से दूर रहेंगे, आधा घंटा 15 मिनट जो भी आपको सूटेबल लगे ट्रेड से दूर रहेंगे, तभी स्कैल्पिंग में बनेगा। नहीं तो हर कैंडल आपको बाई सेल सिग्नल देना चालू कर देगा जब कंटिन्यू बैठेंगे। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट हो गया बंद करिए, थोड़ा देर आप रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद फिर से री एंट्री के लिए पोजीशन देखिए। तो जो CPR का सेटअप है, CPR के सेटअप के हिसाब से, जैसे मान लो ये है S1 का लेवल ब्रेक हुआ है तो हमारा टारगेट क्या रहता है, S2 रहता है नेरो CPR में। तो आपको जितने बार भी मौका मिलेगा दूर होगा, जैसे ही ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया 5 EMA 8 EMA से वो वापस जाएगा, फिर वापस जाने के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगा, फिर से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ये देखता हूँ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, तो यहाँ पे आप कॉल में स्कैल्पिंग करोगे पुट में स्कैल्पिंग करोगे, ये मार्केट खुलने का टाइम है, ये वाला टाइम मार्केट खुलने का टाइम है, तो इस समय आपको पुट में स्कैल्पिंग करना है कि कॉल में स्कैल्पिंग करना है? कॉल में सर। कॉल में करना है, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ना मेरे को किस में करना है स्कैल्पिंग, ठीक है कॉल में करना है। क्यों करना है? क्योंकि VWAP के ऊपर सारा EMA का लाइन है, जब सारे EMA का लाइन VWAP के ऊपर है तो हमको उसी डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट का प्राइस गिर रहा है और यहाँ कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, तो मुझे ये क्लियर है कि स्कैल्पिंग जो करूँगा मैं इसी में करूँगा, और जब सारे लाइन एक दूसरे के आसपास आ जाए तो उस जगह को अवॉइड करना है। एक मूवमेंट आता है, जैसे वाइडर CPR था तो एक मूवमेंट आया, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, ये आपको भी पता है कंसोलिडेट करेगा ही करेगा, वाइडर CPR है तो एक मूव देने के बाद फिर कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर, फिर से एक मूव देगा। इसमें यही ध्यान रखना है बस कि जब सारा EMA का लाइन VWAP के नीचे है तो हमको अपोजिट वाले को देख लेना है, जैसे इधर पे बन गया स्कैल्पिंग, उसके बाद आपको देख लेना है 34 EMA के नीचे बाकी सब EMA आ गया है तो यहाँ से प्राइस पलटने वाला है, तो इसको अगर इधर देखोगे तो इधर से रिवर्स होगा। तो कभी भी देख लेना कि जब VWAP के ऊपर स्ट्रांग कैंडल बनता है ना तो इस कैंडल पर कभी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि सारे EMA के लाइन नीचे है, तो जब भी ये ऊपर जाएगा स्ट्रांग कैंडल के साथ वो घूम के वापस रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर से स्ट्रांग कैंडल बनेगा ना, फिर री एंट्री बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे तो आया लेकिन पूरा EMA का लाइन नीचे नहीं आया, तो यहाँ से फिर से रिवर्स होता है, ये वाला पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है। तो जब भी ये EMA का लाइन ब्रेक करता है वो रीटेस्ट करने जरूर जाता है, यहाँ पे देख लीजिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से रीटेस्ट करेगा VWAP को, VWAP के ऊपर फिर स्ट्रांग कैंडल बना, और ये जब आपका 8 EMA के ऊपर स्ट्रांग कैंडल बनेगा आप फिर से एंट्री करेंगे, और जो भी आपका सूटेबल टारगेट लेवल रहेगा उसके हिसाब से आप एग्जिट करेंगे, इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमको ये एंट्री करना है कि मेरा एंट्री हमेशा 8 EMA के बीच के ऊपर में जो स्ट्रांग कैंडल बनेगा उसी कैंडल पे एंट्री करना है, 8 EMA से ऊपर दूर निकल गया है तो अवॉइड करना है उसको ट्रेड को। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब ये 22-100 का पी जो है उसमें VWAP के लाइन के ऊपर सारे EMA के लाइन है, तो मुझे किस में ट्रेड करना है, पी में ही ट्रेड करना है, और जब ये सारे EMA का लाइन ये 34 EMA के नीचे आ गए बाकी सारे, तो मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट VWAP का लाइन। तो आपको जब यहाँ पे पता है कि पूरा चीज़ पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको नेगेटिव सिग्नल दिख रहा है कि यहाँ पलटेगा, तो ये जो टारगेट रहेगा वो VWAP पे रहेगा, फिर VWAP को अगर ब्रेक करना भी रहेगा ना तो वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, VWAP से सपोर्ट लेगा फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि 8 EMA के पास ही एंट्री करना है। कई लोग क्या होता है इमोशन हावी हुआ इस कैंडल पे गिर रहा है करके यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, कभी नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान ये रखना है 8 EMA पे ही पोजीशन बनाना है। तो जैसे यहाँ पे है आप देख सकते हो ये सारा जंक्शन आया, क्योंकि एक गिरा उसके बाद ऊपर उठा है तो वापस गिरेगा ही गिरेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे 8 EMA का लाइन है, 8 EMA के ऊपर में स्ट्रांग कैंडल है और वो सारे EMA को टच करता हुआ है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो आपको लॉस बुक करना है ना, यहाँ पे एंट्री होता है 1 से 2 कैंडल आपको वेट करना है उसमें एग्जिट कर देना है।
फिर वो वापस आएगा, फिर वापस आके फिर आपको मौका देगा। पंच कर दो हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, क्लोज होना चाहिए ना उसके ऊपर में। तो आखिरी के 10 सेकंड में आप कर दोगे, मतलब जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 50 सेकंड से बाद आप ऑर्डर पंच कर देना। और आपको वेट इतना ही करना है कि इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया तो आपको आंख बंद करके लॉस बुक करना है, वेट नहीं करना है। जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, या फिर अगर बहुत छोटा कैंडल है तो प्रीवियस स्विंग लो, ये दोनों से ज्यादा बड़ा लॉस लेना नहीं है। मैनुअली आपको क्लिक कर देना है, रेडी रखना है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका सेल ऑर्डर रेडी रहना चाहिए, एग्जिट ऑर्डर है ना। और दो कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ऑप्शन फटाफट हो जाता है। धन में भी है, इसमें भी है, फायर्स में भी सेम कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाओगे तो दिक्कत है। जो लो टूटने की बात कर रहे हैं जी, सपोज उसके नेक्स्ट कैंडल जो बना वो रनिंग कैंडल में उसके लो को तोड़ता है फिर बैक कर जाता है, तो हमको उसका वीक पे ही क्लोज कर देना है या वेट करना है कैंडल क्लोज होने का? क्लोज होने का वेट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ये कैंडल बनेगा तो आप क्या वेट करोगे, पूरा उड़ा देगा जितना पैसा बनाए रहोगे। आपका लो टूटा यहीं पे एग्जिट कर देना है। कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं? ना, ना 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 ना, वेट नहीं करना है। आप यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि ये ATMA से दूर है। मुझे वो चाहिए कैंडल जो ATMA से स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये कैंडल है ना ATMA से स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा, मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री जिसको इंडिकेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट कैंडल पे स्टार्टिंग। हाँ, तो यहाँ पे है, तो आपको अगर सुटेबल प्रॉफिट हो गया, जैसे यहाँ पे एंट्री है 195, ये कैंडल का हाई बनाया 205, 10 पॉइंट मिल गया, एग्जिट कर दो ना। स्कैल्पिंग कर रहे हो, 200 क्वांटिटी 2000 रुपया बन गया ना। और ये आपको बार बार मौका मिलेगा, एक दिन में 10 बार मौका मिल जाएगा इस टाइप का। तैयार ये रहना है, बाइक ये हो, बाइक बॉडी वीक वगैरह देखना पड़ेगा, वीक देख लेना। अपर वीक रहेगा तो थोड़ा सा अवॉइड कर देना, लोअर में वीक है अगर बाइंग करने जा रहे हो, लोअर वीक है तो चलेगा, अपर वीक नहीं होना चाहिए। ओके है ना, अपर वीक नहीं। बेस्ट है जिस पे 8 ATMA में सपोर्ट लेगा वो कैंडल को एंट्री मार दो। जी 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 जी, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल में एंट्री कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसमें एंट्री करना है। ठीक है, और जैसी जो भी कैंडल में एंट्री की हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका लो टूट जाता है तो मैं इसी में एग्जिट करूंगा, लेकिन यहाँ पे लो नहीं टूटा है तो इसको होल्ड रखूंगा, फिर जो सुटेबल टारगेट मिल गया उसके हिसाब से एग्जिट कर लो। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो इस कैंडल में, आखिरी के 10 सेकंड में 201 है और 208, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको मिल गया ना ठीक ठाक, एग्जिट कर दो। आपको 3 से 4 बार करना है, 3 से 4 बार में अगर 2000 रुपये का भी टारगेट रखते हो तो बड़ा टारगेट नहीं है। अगर 10 ट्रेड करोगे तो 8 आपके फेवर में आ जाएगा। होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।